फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ओडीआई स्क्वाड डिक्लेयर हुआ है साउथ अफ्रीका टूर के लिए, उसका एक एनालिसिस करेंगे क्या स्क्वाड डिक्लेयर हुआ है और क्या बिल्कुल सही स्क्वाड डिक्लेयर हुआ है या कुछ इसमें चेंजेस हो सकते थे, क्या ऑप्शंस और हो सकती थी, इसका एनालाइज करेंगे। तो स्क्वाड जो डिक्लेयर हुआ है वो दिखाने से पहले थोड़ा मैं आपको स्क्वाड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। जैसे रोहित शर्मा स्क्वाड में नहीं है, वो पूरी तरह फिट नहीं हो पाए, तो ओडीआई टूर के लिए केएल राहुल को कप्तान चुना गया है और जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन है। इसके अलावा और जो प्लेयर्स मिसिंग है वो है जैसे रविंद्र जडेजा, ये पूरी तरह फिट नहीं है, इनको फिट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। साथ ही अक्षर पटेल भी नहीं है, हार्दिक पांड्या को नहीं चुना गया, मोहम्मद शामी को रेस्ट दिया गया है। दो प्लेयर्स ने कमबैक किया है, रविचंद्र अश्विन 2017 के बाद इन्हें अब ओडीआई टीम में मौका मिला है। पहले T20 में इन्होंने कमबैक किया था और वॉशिंगटन सुंदर की वापसी हुई है। और कुछ प्लेयर्स जो पहले स्कीम ऑफ थिंग्स में थे ओडीआई में पर इन्हें अब नहीं चुना गया, वो है जैसे शुभम गिल, पृथ्वी शाह, कृणाल पांड्या। और इसके अलावा जो हमारे सिलेक्टर है चेतन शर्मा जी, तो उन्होंने बताया है कि कुछ और प्लेयर्स का भी नाम डिस्कस किया गया, तो वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है अभी पर उनको इस टूर पे नहीं चुना गया। वो प्लेयर्स है ऋषि धवन, ये ऋषि धवन ने विजय हजारे में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ऑलराउंडर है। रवि बिश्नोई लेग स्पिनर है ये, आवेश खान, हर्षल पटेल, इन दोनों के बारे में हम जानते हैं पेसर्स, और शाहरुख खान एक नंबर 6 का ये हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। और टूर पे जो स्क्वाड चुना गया इसमें दो प्लेयर्स अपना डेब्यू करेंगे, ऋतुराज गायकवाड और वेंकटेश अय्यर। तो टोटल 18 प्लेयर्स का स्क्वाड है। पहले तो स्क्वाड को देखते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस स्क्वाड में तीन ओपनर्स हैं, केएल राहुल, शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड, पांच मिडल ऑर्डर बैट्समैन इंक्लूडिंग विकेट कीपर्स, ये है विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, दो ऑलराउंडर्स वेंकटेश अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, और इसके अलावा दो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स रविचंद्र अश्विन और यूजी चहल लेग स्पिनर, और छह पेसर्स बुमराह, श्रद्धल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, प्रसिद्ध कृष्णा एंड मोहम्मद सिराज। तो ओवरऑल हम इस स्क्वाड को देखें तो ये एक बैलेंस स्क्वाड नजर आ रहा है। पेसर्स पे ज्यादा जोर दिया है, छह पेसर्स इंक्लूड किए हैं, साथ में वेंकटेश अय्यर भी थोड़ा बहुत मीडियम पेस फेंकते हैं, स्पिनर्स भी इंक्लूड किए हैं, दो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स है, साथ में सुंदर भी है, और ओपनर्स है तीन ओपनर्स, और बीच के लिए मिडल ऑर्डर के लिए भी बैट्समैन है, दो विकेट कीपर भी लिए है। तो यहां पर जैसे दो स्पेशलिस्ट विकेट कीपर लिए है पंत और किशन, तो इससे पता लगता है एक तो केएल राहुल अब कीपिंग नहीं करेंगे, कप्तान भी बना दिया है केएल राहुल को। तो पहले ऑलमोस्ट इन्होंने 2-3 साल तक ओडीआई में ये विकेट कीपिंग कर रहे थे, और साथ ही जब केएल राहुल को एज ए विकेट कीपर खिलाते थे एट नंबर 5 पोजीशन, तो स्क्वाड में एक एक्स्ट्रा ओपनर भी रखा जाता था। आप देखिए तब रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनर होते थे, और एक एक्स्ट्रा ओपनर के तौर पे कभी मयंक अग्रवाल, कभी पृथ्वी शाह, कभी शुभम गिल, इनको इंक्लूड किया जाता था, पर अब की बार नहीं किया। तो इससे ये भी पता लगता है कि केएल राहुल को टीम अब एज ए ओपनर भी देख रही है, जो एज ए ओपन भी कर सकती है अब इस स्क्वाड में, या बीच में भी बैटिंग कर सकती है नंबर 4 या 5 पे, तो इनका इसमें डबल रोल रहेगा अब की बार। और यहां पर मैं कहूंगा पृथ्वी शाह थोड़े अनलकी रहे, क्योंकि पृथ्वी शाह की भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पूरे साल, ये पिछले साल जो इस विजय हजारे से पहले विजय हजारे था तो तब पृथ्वी शाह ने सबसे ज्यादा रन भी मारे थे और उसके बाद से अच्छा परफॉर्म किया है, पर यहाँ मिस आउट करना पड़ा क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने शाह से भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बल्कि गायकवाड़ तो बेस्ट प्लेयर रहे हैं अपकमिंग प्लेयर। विजय हजारे में बहुत रन इन्होंने रन मारे, और आईपीएल में भी इन्होंने ऑरेंज कैप जीती थी, सबसे ज्यादा रन मारे थे। तो T20 में अपना ये कर चुके हैं डेब्यू, उसमें शुरू में नहीं इतना चले पर वनडे में अब करने का मौका मिलेगा। तो अब ये जो स्क्वाड है इसमें ये है तो अच्छा बैलेंस स्क्वाड है,
तो कुछ इसमें क्या चेंजेस हो सकते थे जिससे ये थोड़ा सा और बेटर हो जाता? तो मेरे ख्याल से हो सकते थे। यहां पर मेरी जो चॉइस है तो मैं तीन चेंजेस चाहता। मैं आपको बताता हूं तीन चेंजेस क्या। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ऋषि धवन को स्क्वाड में इन्हें इंक्लूड करना चाहिए था। वॉशिंगटन सुंदर की जगह इंक्लूड कर सकते थे, क्योंकि वहां पे जो साउथ अफ्रीका की पिचेस है, कंडीशंस है, तो मुझे नहीं लगता वहां स्पिनर्स का कोई खास रोल रहेगा। और जो प्लेइंग इलेवन खिलाई जाएगी तो एक ही स्पिनर उसमें रहेगा, दो स्पिनर नहीं खिलाए जाएंगे। और वो जो स्पिनर भी रहेगा तो अश्विन या चहल में से कोई स्पिनर चूज किया जाएगा। तो ऋषि धवन को आप एक नंबर 7 के हिसाब से अच्छी ऑप्शन रहती। नंबर 6 पे जैसे वेंकटेश अय्यर अगर प्लेइंग इलेवन में है, तो नंबर 7 पे ऋषि धवन, तो दोनों मिलके आपको फिफ्थ बॉलर का रोल अच्छे से अदा कर सकते थे। थोड़ा बैटिंग में डेप्थ भी रहती। अब यहां पर हम देखें ये जो स्क्वाड है, तो इसमें अब नंबर 7 पे खेलने के लिए हमारे पास कोई ऐसे प्लेयर नहीं है। पहले रविंद्र जडेजा खेलते थे, तो अब यहां पर या तो फिर श्रद्धा ठाकुर को ये नंबर 7 पे खिलाएंगे या अश्विन को खिलाएंगे, तो उससे मुझे लगता है थोड़ा सा बैटिंग डेप्थ में कमी आती है, थोड़ा सा बैटिंग वीक होती है। और ऋषि धवन को अगर मौका देना था उसकी परफॉर्मेंस के लिए, जो विजय हजारे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ये एक अच्छा मौका था। यहाँ पर उसको फायदा भी मिलता एज ए मीडियम पेसर, और बाद में तो फिर उसको मुझे नहीं लगता कि इतना कोई वो यूजफुल साबित होगा। यहाँ पर देते तो अच्छा रहता। और दूसरी जो ऑप्शन मेरे ख्याल से यहाँ पर होनी चाहिए थी, तो हर्षल पटेल को मौका मिलना चाहिए था। हर्षल पटेल का हम देखे जो T20 सीरीज में अभी मौका दिया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो वो उस सीरीज का बेस्ट बॉलर रहा था, बेस्ट पेसर। उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बॉल से बहुत अच्छी वेरिएशंस भी दिखाई थी, जिससे न्यूजीलैंड बैट्समैन काफी दिक्कत में थे, अच्छे से नहीं खेल पाए थे, और थोड़ा बहुत बैट से भी उसने कंट्रीब्यूट करके दिखाया था। तो हर्षल पटेल को ओडीआई में भी डेब्यू दे देना चाहिए था, स्क्वाड में इंक्लूड करना चाहिए था। और किसकी जगह, तो मेरे ख्याल से प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आप दे सकते थे। प्रसिद्ध कृष्णा को जो खिलाया गया है पहले, तो थोड़ा वनडे के हिसाब से वैरायटी की कमी लगी है। पेस अच्छी वो निकाल लेता है, तो टेस्ट स्क्वाड में उसको रखते ही है। तो अगर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह हर्षल पटेल को लेते तो वो और अच्छी ऑप्शन रहती। और फिर एक और चेंज जो मैं चाहता कि मैं संजू सैमसन को चाहता कि वनडे स्क्वाड में ये इंक्लूड करके एक मौका देते ईशान किशन की जगह। ईशान किशन को T20 स्क्वाड में रखा जाता है और मौका मिलता रहता है बीच बीच में। तो संजू सैमसन ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है विजय हजारे में भी, पिछले एक साल से वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। इस आईपीएल में भी काफी उसने रन मारे थे, वो ऑलमोस्ट टॉप 5 रन गेटर्स में था। तो जिनको लगता है कि संजू सैमसन को पहले मौका मिला हुआ है, पर हम देखे पहले उसको T20 में ज्यादा मिला था, वनडे में इतना नहीं मिला था। और उसकी गेम में अभी मैच्योरिटी आई है, थोड़ा वो टिक के खेलता है, लंबा खेलता है, और ज्यादा अच्छा वो रनों की भूख उसकी हो गई है। तो एक बार उसको वनडे में भी अगर मौका देते, स्कीम ऑफ थिंग्स में रखते तो बेटर रहता। तो मैं संजू सैमसन को एक्स्ट्रा कीपर के तौर पे चुनता ईशान किशन की जगह। तो ये मेरी चॉइस रहती। इसके अलावा भी पर हम देखें तो ये स्क्वाड भी अच्छा है। फ्रेंड्स, आपकी क्या ओपिनियन है? आप भी अपने व्यूज शेयर कीजिए इस स्क्वाड के बारे में जो चुना गया है। क्या आप पूरी तरह सहमत है और जो मैंने आपको अपनी सजेशंस दी? और साथ में हैप्पी न्यू ईयर अगेन टू ऑल माय व्यूअर्स। ओके फ्रेंड्स।